हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यहाँ आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं और इनके अंदर जो है तीन तीन साइड्स दे रखी हैं। ये पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सी साइड्स किसी राइट ट्राइंगल की हो सकती हैं। इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। अगर किसी केस के अंदर कोई पेयर यहाँ पे राइट एंगल की साइड्स का हो सकता है तो फिर ये भी बताइए, फिर वहाँ पे जो राइट एंगल एंगल होगा वो कहाँ पे होगा। चलिए नंबर वन से शुरू करते हैं। नंबर वन में तीन साइड्स दे रखी हैं, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब ये बताना है कि क्या ये साइड्स किसी राइट ट्राइंगल की हो सकती हैं या नहीं हो सकती है। तो राइट ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि 90 के सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, ये वाली, लेट सपोज ये ए मान लिया मैंने और ये मैंने बी मान लिया और ये सी मान लिया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है कि 90 के सामने जो साइड्स होती है, साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इस अकेली साइड का स्क्वायर बराबर होता है उन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर जो 90 का एंगल बनाती है, यानी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यानी ये दो छोटी साइड्स होती हैं, इन दो छोटी साइड्स का स्क्वायर और उनका सम बराबर होता है इस अकेली साइड के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे भी हमें ये चीज़ करनी है। इनमें सबसे पहले ये देखेंगे हम कि दो सबसे छोटी, यानी दो छोटी साइड्स कौन सी है, उन्हें एक तरफ ले लेंगे ऐसे, और जो सबसे बड़ी है इन तीनों में उसे हम एक तरफ ले लेंगे, और फिर ये इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बराबर है ऐसा तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग रही है, तो फिर ये राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी। अगर बराबर नहीं आएगा तो ऐसे काट देंगे और हम नो लिख देंगे, बस सिंपल। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले दो छोटी साइड्स देखता हूँ कौन सी है। एक तो 2.5 है और एक ये 6 है। 6.5 सबसे बड़ी है, तो इन दो छोटी साइड्स को मैं एक साथ लूँगा, 2.5 का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर, और इसे मैं बराबर दिखा रहा हूँ। अभी बराबर ये है नहीं, वो तो लास्ट में होगा। ये मैं बराबर लेट सपोज मान रहा हूँ कि ये ऐसा है, 6.5 के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर ये साइड्स राइट ट्राइंगल की हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए। अब आगे चल के देखेंगे ना हम कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर यानी कि 2.5 को मल्टीप्लाई 2.5 से करना है, प्लस 6 का स्क्वायर यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6.5 का स्क्वायर यानी 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब, डेसिमल इग्नोर कर दीजिए, 25 25 मान लेना आप इसको, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 625 आएगा। अब पॉइंट के बाद एक और पॉइंट के बाद एक, टोटल दो नंबर है ना, तो डेसिमल का रूल होता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं मल्टीप्लाई में, आंसर में पीछे से वो छोड़ के पॉइंट लग जाता है। यहाँ पे दो नंबर हैं, दो छोड़ दिए, पॉइंट लग गया। आगे बढ़ते हैं, 6 6 36 हो गया, अभी बराबर लेके चल रहा हूँ मैं इसे। यहाँ 6.5 इंटू 6.5, तो पॉइंट को भूल जाइए, अगर पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं तो सिर्फ जो नंबर बचेगा वो फिर 65 बन जाएगा। तो 65 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, ये 2 हो गया, 5 6 30, ये 32 हो गया, मल्टीप्लाई 6 5 30 का 0 और ये 3, ये 36 और 3 39, 5 2 9 10 11 12 का 2 और ये 1, 42.25 आएगा। क्यों? पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब आंसर आ जाए आपका फिर आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो दो नंबर हो गए ना टोटल, तो आंसर में पीछे से दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो इस तरफ का आंसर आएगा 42.25। अब फाइनली देखेंगे कि यह आगे जाके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो अब इनका हमें सम करना पड़ेगा इस तरफ। तो इस तरफ 6.25 के अंदर प्लस करना है 36। अब 36 कहाँ लिखेंगे हम? 36 लिखेंगे पॉइंट से इधर ऐसे, क्योंकि पॉइंट से इधर वंस होता है ना, तो 36 इधर लिखा जाएगा, डेसिमल से इधर लिखा जाएगा। सम कर देते हैं, 5 2 पॉइंट, ये 12 हो गया, 2 और ये 1, 4 और ये 1, 3 और 1 4 हो गया। तो इस तरफ आंसर आ रहा है
42.25, और यहाँ हम निकाल ही चुके हैं, ये है 42.25, तो ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं। जब ये बराबर आ रहे हैं तो यानी कि ये तीनों साइड्स राइट ट्रायंगल की हैं, तो यस, तो इसका आंसर होगा यस। लैंग्वेज में लिख देंगे हम, जैसे पूछा है विच ऑफ द कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, यस दे कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब ये भी पूछा है अगर राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं तो फिर राइट एंगल कहाँ पे होगा। देखिए राइट एंगल कहाँ होता है, मैंने बताया आपको कि जो ट्रायंगल ये होता है, ये सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसके सामने ही तो राइट एंगल होता है, तो सबसे बड़ी इसके अंदर 6.5 सेंटीमीटर है, तो इस साइड के सामने ही राइट एंगल होगा, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे राइट एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, इस तरह का कुछ ट्रायंगल होगा ये, सबसे बड़ी साइड 6.5 सेंटीमीटर की होगी और ये जो दो हैं ये इस तरह की हो सकती हैं, जैसे ये 2.5 होगी और यहाँ ये 6 होगी, 90 के सामने ही 6.5 होगी। चलिए पार्ट टू पे चलते हैं, पार्ट टू के अंदर ये तीन साइड्स दे रखी हैं, दो छोटी उठा लेते हैं एक तरफ, तो 2 और 2 को एक साइड ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लेट सपोज अभी मान के चल रहे हैं कि ये बराबर हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, ये बराबर होना चाहिए 5 × 5 के, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, इस तरफ 5 × 5 = 25, 4 और 4 में ऐड किए तो ये 8 आ गया और यहाँ पे ये 25 है, तो 8 ये लेफ्ट साइड में आ गया, ये राइट साइड में आ गया, तो ये तो बराबर नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, यानी ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, नो दे कैन नॉट फॉर्म, दे कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ, दे कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। थर्ड पार्ट, थर्ड में भी यही करना है हमको, पहले दो साइड्स उठा लीजिए जो छोटी हैं इसके अंदर, तो सबसे बड़ी तो इसमें 2.5 है, तो 2.5 को हम अकेली रखेंगे यहाँ पे एक तरफ, छोटी वाली को इधर ले लेते हैं, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर शुरू में ही आपको इक्वल लगाने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं अलग तरीके से बता देता हूँ इस बार, कि पहले आप दो साइड्स ले लो छोटी वाली, इनका आंसर निकाल लो, 1.5 का स्क्वायर यानी 1.5 × 1.5 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके 225 आता है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आंसर में पीछे से दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, अब 4 और 2.25 को प्लस कर लेते हैं, 2.25 के अंदर 4 प्लस करेंगे तो 4 इधर लिखा जाएगा वंस में, तो 0.6.25, तो इसका आंसर आएगा 6.25। तो पहले तो मैंने दो साइड का स्क्वायर और उनका सम ले लिया, अब मैं अकेली बड़ी वाली को ले लेता हूँ, अब मैं सिंपल ये बड़ी वाली का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो इसका आंसर निकालता हूँ मैं अलग से, तो 2.5 × 2.5, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो अभी यहाँ फर्स्ट पार्ट में किया है 625, और पॉइंट के बाद दो नंबर होने चाहिए तो दो नंबर छोड़ के पीछे से पॉइंट आ गया, तो इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया। अब लास्ट में हम इसे किस तरह लिखेंगे, हम इसे इक्वल टू की फॉर्म में लिख के दिखा देंगे, कैसे कि 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर, ऐसे बिकॉज करके लिख देंगे ऐसे, बिकॉज दो छोटी साइड का स्क्वायर और उनका सम बराबर आ रहा है सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के, देयरफोर दे कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट
ट्राइंगल, तो ये साइड्स हो सकती हैं राइट ट्राइंगल की। अब ये भी पूछा है कि राइट ट्राइंगल कहाँ पे होगा, तो इसका आंसर राइट ट्राइंगल कहाँ पे होगा, जो सबसे बड़ी साइड है 2.5 उसके सामने ही तो होगा, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं राइट ट्राइंगल, जो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम टू सेम यही राइट एंगल, सॉरी एंगल पूछा है ना, राइट एंगल कहाँ होगा, तो राइट एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ सिक्स नहीं है, हम तो ये कर रहे हैं, यह है 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो फिगर होगी वो कुछ इस तरह की होगी, सबसे बड़ी वाली साइड होगी इसकी 2.5 सेंटीमीटर, 90 के सामने ये होगी, बाकी की ये दो छोटी साइड्स हैं ये इधर उधर कहीं हो सकती है, मानो ये 2 हो सकती है, ये 1.5 हो सकती है। तो अगर आपको कोई तीन साइड्स दे रखी हैं और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि क्या वो तीन साइड्स किसी राइट ट्राइंगल की हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो सिंपल सी बात है, कोई दो इसमें जो दो छोटी साइड्स होंगी ना उनका स्क्वायर और उनका सम निकाल लोगे आप, और फिर जो सबसे बड़ी होगी उसका स्क्वायर निकाल लोगे, अगर वो दोनों बराबर आ रही हैं तो वो साइड्स राइट ट्राइंगल की हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।